तो मैं विपिन दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं SBI कार्ड के बारे में। दोस्तों जैसे मेरे हाथ में आप यहां पे देख सकते हैं ये SBI मेट्रो कार्ड है। ये मेट्रो कार्ड दोस्तों आप चाहे किसी भी स्थान से यूज कर सकते हैं, जैसे कानपुर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो या दोस्तों कलकत्ता मेट्रो या मुंबई मेट्रो, जहां पे दोस्तों आप मेट्रो कार्ड यूज करेंगे आप आजकल देख सकते हैं दोस्तों SBI कार्ड। ये दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा ये SBI कार्ड मेट्रो। दोस्तों आप इसे कैसे ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं, कभी कभी हमारे पास ऐसे सिचुएशन होते हैं दोस्तों अगर हम वर्किंग आवर्स में अगर अपने टिकट्स को दोस्तों ये कार्ड को रिचार्ज करने जाए तो दोस्तों काफी लंबी लाइन का सामना करना पड़ता है। ऐसे दोस्तों का हमारे पास समय नहीं है तो कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के जरिए दोस्तों कैसे इस कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं, इस कार्ड में किसी भी समस्या का समाधान कैसे ग्रीवेंस कंप्लेंट के माध्यम से दोस्तों आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये ऑनलाइन पोर्टल लॉगिन करता हूं, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लॉगिन करके मैं इसमें रिचार्ज करता हूं। रिचार्ज करने के बाद सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, जहां पे आप जो है एंट्रेंस करते हैं कार्ड को टैप करके, जब एंट्रेंस करते हैं दोस्तों गेट खुलता है, वहां पे दोस्तों आपको एक छोटी सी डिवाइस मशीन लगी होती है। जब ये ऑनलाइन कार्ड हम जब रिचार्ज करते हैं तो उसमें जाके डिवाइस पर, मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा, डिवाइस में जाके टिक करना है और वहां पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, आपका जो भी आपने पेमेंट किया है इस कार्ड में अपडेट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस कार्ड में अपडेट हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली, ना तो आपको कोई क्यू में खड़ा होना पड़ेगा, ना लाइन लगाने की जरूरत है, ना दोस्तों किसी की भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की सहने की जरूरत है। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताए हुए वीडियो से आप घर बैठे ऑनलाइन अपने कार्ड में रिचार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप के जरिए गूगल पे आपको SBI मेट्रो कार्ड रिचार्ज लिखकर सर्च करना है। जैसे लिखकर सर्च करेंगे ये सबसे पहला वाला लिंक SBI बैंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं www.transact.sbi, ये लिंक है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं SBI का जो ये कार्ड है, मेट्रो कार्ड है, यहाँ पे अलग अलग सिटी के कार्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नोएडा मेट्रो, नागपुर मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, कानपुर मेट्रो, मुंबई मेट्रो, यहाँ पे दोस्तों अलग अलग सिटी के मेट्रो कार्ड हैं, अलग अलग तरीके से मेट्रो कार्ड का जो SBI कार्ड है उस पे प्रेजेंटेशन दिखाई देगा आपको। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा मुंबई मेट्रो कार्ड का कुछ इस तरीके का कार्ड आपको यहां पे दिखाई देने वाला है। तो आज इस वीडियो में आपको मुंबई मेट्रो कार्ड ऑनलाइन रिचार्ज कैसे होगा वो आपको मैं दिखाने वाला हूं। सेम प्रोसेस, जैसे ही दोस्तों मुंबई मेट्रो कार्ड पे क्लिक करेंगे यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें लॉग इन करने के लिए हमें यहां पे रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए हमें यहां पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहां पे हमारा कंप्लीट कार्ड नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड डालकर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों पर्सनल डेटा है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। ये सारे डिटेल डालने के बाद रजिस्टर पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहां पे जैसे ही सारे डिटेल डालेंगे दोस्तों, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कार्ड नंबर, ये सारे, तो मोबाइल पे आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कार्ड बनाते वक्त आपने दिया होगा उस मोबाइल पे OTP आ जाएगा। यहां पे हमने OTP फिल कर दिया और यहां पे हमें एक यूजर नेम सेलेक्ट करना है या और कंफर्म पासवर्ड डालकर यहां पे हमें सबमिट कर लेना है। अभी हम यहां पे यूजर नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। यूजर नेम आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैंने मेरे हिसाब से यूजर नेम यहां पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहां नीचे पासवर्ड डालना पड़ता है। ये पासवर्ड आप जो है दोस्तों एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और दोस्तों न्यूमेरिकल नंबर डालकर आप अपने हिसाब से पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन नीचे दिया हुआ है रेड कलर का, सबमिट कलर का, ये दोस्तों यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड सक्सेसफुली सेट, सेम यूजर नेम जो अभी हमने बनाया और पासवर्ड डालकर यहाँ पे अब हम लॉग इन करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जो रजिस्टर नंबर रजिस्टर करने के लिए लॉग इन डिटेल चाहिए था वो रजिस्टर्ड हो चुका है। यहाँ पे हम यूजर नंबर और पासवर्ड डालकर जो अभी हमने बनाया उसको हम यहाँ पर डालकर कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों कैप्चा कोड और पासवर्ड वगैरह डालकर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारा जो कार्ड है ये दोस्तों यहाँ पे लॉग इन होने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे हमें एक OTP आएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वो OTP को यहाँ पे फिल करके लॉग इन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अगर पासवर्ड OTP नहीं आता है तो नीचे रिसेंट OTP का ऑप्शन दिया है, वहां से भी आप ट्राई कर सकते हैं। OTP डालने के बाद जैसे ही लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कार्ड जो है SBI मेट्रो कार्ड ये लॉग इन हो चुका है। सेम ऐसे ही चेन्नई मेट्रो की बात करो या नागपुर मेट्रो की बात करो, सारे SBI कार्ड के लॉग इन क्रेडेंशियल ऐसे ही बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कार्ड का सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा, कार्ड नंबर दिखाई देगा, कार्ड का स्टेटमेंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आप मंथ वाइज स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि कितनी बार आपने ट्रैवल किया, कितनी बार रिचार्ज किया, ये सारे डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों मंथ सेलेक्ट करना है, जो भी जिस डेट से लेके जिस डेट तक आपको स्टेटमेंट चाहिए आप यहां से डिटेल्स निकाल सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कार्ड डिटेल्स है, यहां पे रिचार्ज करने का ऑप्शन जैसे मैंने बताया आपको,
यहाँ पे थ्री डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे सेकेंड नंबर ऑप्शन पे आपको रिचार्ज कार्ड करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही कार्ड रिचार्ज करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अमाउंट डालना पड़ेगा, कम से कम 100 रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 10,000 रुपये तक का लिमिट है। यहाँ पे कम से कम आपको मिनिमम 100 रुपये का रिचार्ज करना ही पड़ेगा। अगर आप 10, 20, 50 ऐसा कुछ नंबर्स के रिचार्ज करना चाहेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि मिनिमम 100 रुपये का रिचार्ज होना ही चाहिए। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालने के बाद जैसे ही पेमेंट के गेटवे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप पेमेंट अपने हिसाब से यूपीआई पैन कार्ड यूपीआई से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से गेटवे चूज करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों पेमेंट कर लेंगे तो आप जब भी मेट्रो स्टेशन पे आएंगे तो यहाँ पे जहाँ पे जो है हेल्प काउंटर के पास यहाँ पे आपको एक मशीन छोटा सी मशीन या डिवाइस दिखाई देगी। यहाँ पे हमें अपना कार्ड को दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट करना पड़ेगा। जब हम ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं तो यहाँ हम अपने कार्ड को अपडेट करते हैं, तो ये छोटी सी मशीन से यहाँ पे हम कार्ड को लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। ये कार्ड ऑटोमेटिक जो है दोस्तों अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो अपडेट रहेगा बैलेंस रहेगा वो सारा चीज़ यहाँ पे अपडेट होकर आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने कार्ड रिचार्ज किया था यहाँ पे बैलेंस चेक कर भी कर सकते हैं और कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही कार्ड रिचार्ज करेंगे आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ डिस्प्ले में आपका बैलेंस भी दिखाई देगा, यहाँ पे भी दिखाई देगा आपने जो रिचार्ज किया है। कुछ इस तरीके से आप मेट्रो जो है ऑनलाइन मेट्रो रिचार्ज कर सकते हैं, मेट्रो का कार्ड का रिचार्ज कर सकते हैं। बात करें चाहे मेट्रो चाहे दोस्तों नागपुर हो या दिल्ली हो या कानपुर या कोलकाता कहीं की भी मेट्रो स्टेशन हो, ये SBI कार्ड सेम प्रोसेस से आप जो है रिचार्ज भी कर सकते हैं और इसके बाद ऑनलाइन रिचार्ज करने के बाद आप जो है स्टेशन पे लगी भीड़ से बच सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।